भारतस्य गौरवाय राष्ट्र कल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि भारत माता का भाग्य चमकने वाला है। उन्होंने कहा था, वेद कहते हैं, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, उठो, जागो और लक्ष्य पर पहुंचे बिना मत ठहरो। विवेक विचार। स्वामी विवेकानंद जी को भारत के अपरिमित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति का सम्यक बोध था। 1,96,08,53,114 वर्ष पुराना भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक बल और करीब 33,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला आज भी हमारा ये भारत, जिसमें जल, जंगल, जमीन और भू संपदाओं का अपरिमित सामर्थ्य है। पिछले 67 वर्षों में देश के कुछ बुरे लोगों ने, प्रोफेसर कैलडोर वांचो कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क और देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश का करीब 16,00,000 रुपये देश के बाहर भेज दिया, जो काले धन का मात्र 10%, करीब 900,00,000 रुपये देश के अंदर, करीब 1,00,000,00,000 रुपये की लूट की और करीब 1,000 वर्षों तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने देश को लूटा था। उसके बावजूद भी आज भी देश में अपरिमित आध्यात्मिक और आर्थिक बल है। बस एक अच्छा राज्यकर्ता देश को चाहिए तो निश्चित रूप से भारत फिर से विश्व की आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति बनेगा। विवेक मंत्र। आज जो हिंदुस्तान का काला धन विदेशों में है, वो अगर वापिस लाया जाए और गरीबों को बांट दिया जाए तो एक एक गरीब के जेब में 3-3 लाख रुपया आ सकता है। 3 लाख रुपया। सत्ता भूख इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण देश के सामान्य मानव की जिंदगी असुरक्षित हो जाए। अब देश उससे तंग आ चुका है, देश को एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्ट बहुत देख लिए, देश को एक्शन चाहिए। इतना बड़ा देश सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। सरकार आएगी, जाएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, उतरेंगे, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश के भविष्य की चिंता।